अस्सलाम वालेकुम। सो बेसिकली फ्रेगमेंटेशन IPV6 में जो करनी है, ये एक बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है। सो इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कुछ इस तरह से आ जाते हैं कि IPV6 डेटाग्राम और इसका साइज़, सपोज जो टोटल है वो आपके पास 370 बाइट्स है, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट जो सा है जो पास हो सकता है वो आपके पास उसका साइज़ 230 है। सो इसके अलावा अगर बात की जाए तो टू जो हेडर्स हैं वो फ्रेगमेंटेबल हैं 30-30 बाइट्स के, और टू हेडर्स जो उनसे हैं वो उसमें अनफ्रेगमेंटेबल हैं 30-30 बाइट्स के। और इसके अलावा IPv6 का जो अपना ओरिजिनल हेडर है उसका जो साइज़ है वो क्या होता है, वो होता है आपके पास 40 बाइट्स। नाउ दिस इज़ द कम्प्लीट डेटा। नाउ वी हैव टू फाइंड कि जो इसके हम कितने नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स हम जो उनसे हैं वो इसके बना सकते हैं। नाउ वट वी कैन डू, वी कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। ये अगर हम इसको ड्रॉ कर लें तो इसमें से जो आपके ये 40 बाइट्स हैं 0 to 40, ये आपके हेडर के IPv4 जो आपका हेडर है उसके हैं। 30 बाइट्स जो से हैं इसमें अगर हम ऐड करें तो वो 30-30 के जो दो आपके अनफ्रेगमेंटेबल हेडर्स हैं, जबकि ये वाले जो आगे से ऑनवर्ड्स अगर मैं इसको 40 + 30 करूँगी इट इज़ 70, एंड 70 + 30 करूँगी तो इट इज़ 100, और 100 में जो फ्रेगमेंटेबल हेडर ऐड करूँगी तो इट इज़ 130, और अगर एक और ऐड करूँगी तो दैट इज़ 160। तो ये आपके ये वाले जो 160 बाइट्स है ये क्या है, आपका अनफ्रेगमेंटेबल है, और ये वाला जो पार्ट है दैट इज़ बेसिकली सॉरी दिस इज़ फ्रेगमेंटेबल एंड दिस इज़ अनफ्रेगमेंटेबल। सो द टोटल पेलोड जो आपका टोटल है वो कितना है, 370। सो 370 -160 अगर हम करें तो हमारे पास जो डेटा का साइज़ है वो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 210 बाइट्स आ जाएगा। ओके, नाउ हाउ वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, MTU -8 माइनस आपका जो अनफ्रेगमेंटेबल हेडर है जो कितने का है, 100 का। सो MTU आपके पास क्या था, 230 - 8 - 100 अगर आप करते हो तो यू विल गेट 122। तो 122 आप जो सा है अगर आप देखो तो आपको चेक करना पड़ेगा कि वेदर इट इज़ डिविजिबल बाय 8 और नॉट। सो 122 बेसिकली इज़ नॉट कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 8। उसके लिए जो अप्रॉक्स आपके पास आएगा, जो नियरेस्ट जो 8 पे डिविजिबल हो जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 120। So this is how you can determine the size of your fragment. Now how many fragments you can create? So उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, you have to divide the fragmentable part that is 260 here. Sorry, not 60, it is 70, because 60 के आपके headers थे और आपका जो है बाकी 210 आपका data था। तो 270 डिवाइडेड बाय अगर आप 120 करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली यू विल गेट द आंसर 2 point something, और इसको हम जो है वो राउंड ऑफ करके 3 फ्रेगमेंट्स बनाएंगे। सो ये आपके फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे। अब इन फ्रेगमेंट्स को जो है वो आप किस तरीके से डिवाइड करोगे, बेसिकली ये आपका 100 अगर आप देखेंगे तो ये जो 100 था यहाँ से लेके 100 तक ये आपका फ्रेगमेंटेबल पार्ट था। सो सॉरी अनफ्रेगमेंटेबल पार्ट था 100, और प्लस 8 इज़ आल्सो अनफ्रेगमेंटेबल, प्लस आपके पास ये आ जाएगा 120। सो इन टोटल आपको कितना चाहिए, 270 चाहिए। सो 120 का ही दूसरा बन जाएगा फ्रेगमेंट आपका, और जब आप ये टोटल करेंगे 270 में से निकालेंगे तो 30 रिमेनिंग आपका लास्ट जो फ्रेगमेंट होगा इट विल कैरी द, ये दिस इज़ माई फ्रेगमेंट 1, दिस इज़ माई फ्रेगमेंट 2, एंड दिस इज़ द फ्रेगमेंट 3। सो
इन टोटल ही आपके तीन फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो बन जाएंगे, जिनमें से ये वाला जो पार्ट है इट इज़ अ फिक्स्ड पार्ट, बट ये वाला जो पार्ट है ये आपका ये अनफ्रेगमेंटेबल था और ये फ्रेगमेंटेबल पार्ट है, ठीक है. 120 120 एंड 30. सो दिस इज़ हाउ यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स. कैसे आपने निकाला? एम टी यू मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट है उसमें से -8 -100 करेंगे तो आपके पास ये 120 टू एक राउंड ऑफ. अब जब उसके करोगे डिविजिबल बाई 8 नंबर सो इट इज़ 120. सो इसको आप 270 जो कि आपका ये अनफ्रेगमेंटेबल पार्ट टोटल था उसके साथ डिवाइड किया आपने तो 3 फ्रेगमेंट्स बन गए और ये आपकी जो सी है वो 3 फ्रेगमेंट्स की क्या आगे से होगी डिस्ट्रीब्यूशन. सो दैट्स ऑल. दिस इज़ हाउ यू कैन क्रिएट द कम्प्लीट आई पी फ्रेगमेंटेशन एंड यू कैन डिटरमिन द नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स इन दिस डेटाग्राम.